सरकार आपको हर महीने 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए आपके अकाउंट में दे सकती है, लेकिन कैसे आपको 2500 रुपए से 3000 तक का जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में मिल जाएगा वो मैं आपको बताऊंगी। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को सेव जरूर करिए, कहीं आप इसको भूल ना जाए। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं गवर्नमेंट की जो आपके लिए बनी होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें जानकारी का अभाव होता है, यानी कि हमें पता ही नहीं होता कौन कौन सी वो स्कीम इस समय चल रही है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना ये उन लोगों के लिए बनी है जिनका जो मासिक वेतन है, यानी कि जिनकी एनुअल इनकम जो है वो 3 लाख रुपए से कम है। चलिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी इसकी है। सबसे पहले तो आपको 12th कंप्लीट होनी चाहिए, इसके अलावा आपके घर में किसी भी मेंबर की गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए और आपका जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं रोजगार संगम वेबसाइट पर जाकर।